Hello, my dear students. I welcome you in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we are going to do additional questions of the chapter Iswaran the Storyteller written by R.K. Lakshman. So let's start. Question number one Who was Mahendra? Mahendra was a junior supervisor in a firm which offered supervisors for different construction sites. लाइक फैक्ट्रीज ब्रिजेस एंड डैम्स तो महिंद्रा कौन था एक जूनियर सुपरवाइजर था सुपरवाइज मतलब इंस्पेक्शन करना देखना ऑब्जर्व करना किसी फर्म में था वो जूनियर सुपरवाइजर और क्या काम था उनका कि कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट से जहाँ पे भी कोई निर्माण कार्य हो रहा है कुछ भी बन रहा है कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसका जैसे कि फैक्ट्रीज का ब्रिजेस का या डैम्स का तो वहाँ पे उन सारी चीज़ों को सुपरवाइज करना ओके हिज जॉब वॉज टू कीप अ वॉच ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट्स और उनकी उसकी जॉब क्या थी कीप अ वॉच कीप अ वॉच मतलब ऑब्जर्व करना ध्यान रखना वहाँ पे जो भी कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं उन पे ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फ्रीक्वेंटली और उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इधर से उधर बार बार जाना पड़ता था मतलब कि जहाँ जहाँ पे ये वर्किंग साइट्स क्शन की साइट्स चल रही होती थी वहां पे उसको ऑब्जर्वेशन के लिए इंस्पेक्शन के लिए जाना होता था दिस वॉज द जॉब ऑफ महिंद्रा क्वेश्चन नंबर टू वॉज ईश्वर की क्या जॉब थी महिंद्रा कंसिडर्ड ईश्वरन एज एन एसेट महिंद्रा क्या मानता था ईश्वरन e को अपना एक एसेट मानता था एसेट का मीन्स होता है बहुत ही वैल्यूएबल बहुत ज्यादा यूजफुल तो ईश्वरन e उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल था और ईश्वरन को एज एन एसेट जो फर्म थी जहाँ पे महिंद्रा वर्क करते थे उस फर्म ने ईश्वरन को एज as एन एसेट प्रोवाइड कर रखा था महिंद्रा को उसके काम वगैरह पूरे करने के लिए ही वाज नॉट ओनली हिज कुक वे केवल उसका कुक ही नहीं था कौन ईश्वरन बट ही आल्सो वॉश्ड महिंद्रास क्लॉथ्स और वो क्या-क्या काम करता था केवल खाना ही नहीं बनाता था महिंद्रा के जो क्लॉथ्स वगैरह थे उनको भी धो देता था He also entertained Mahindra at night, और रात के समय, जब वहाँ पे रिमोट रिमोट प्लेस था, remote का मतलब बहुत दूर दराज की जगह पे जहां पे भी साइट का साइट चल रही होती थी काम चल रहा होता था कंस्ट्रक्शंस का वहां पे बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट के मींस नहीं थी एंटरटेनमेंट के मींस मतलब मनोरंजन के साधन नहीं थे एंड ईश्वरन क्या करता था वहां पे हमेशा महिंद्रा से बात करके उसका टाइम पास करवाता था एंड मेन थिंग उसको क्या करता था बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाया करता था सो क्वेश्चन नंबर डिड द मैड एलिफेंट डू रीचिंग द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन जो पागल एलिफेंट था जब वो आउटस्कर्ट ऑफ टाउन आउटस्कर्ट का मतलब होता है आउटर पार्ट ऑफ सिटी तो सिटी से बहुत दूर जब वो आ गया था तो उसने क्या किया वहां पहुंच के

मड पॉट्स भी तोड़ दिए एंड कपड़े वगैरह जो भी वहाँ पे थे सबको उसने नुकसान पहुँचाया उस मैड एलिफेंट ने या पागल हाथी ने इट एंटर्ड द स्कूल बाउंड्री और ये स्कूल के गर, वहाँ पे जो ग्राउंड था वहाँ पे एंटर एंटर हो गया एंड एंट्री करने के बाद ब्रेकिंग द ब्रिक बाउंड्री उसने क्या तोड़ दी वहाँ पे जो बाउंड्री वॉल्स थी उस बिल्डिंग की वो भी उसने स्कूल के ग्राउंड में एंटर होने के बाद वो भी तोड़ दी थी तो जब पागल हाथी आउटस्कर्ट्स मतलब सिटी से बहुत दूर टाउन में जब वहां पे एंटर हो गया था तो उसने क्या क्या नुकसान किया तो उसने क्या क्या नुकसान किया उसने सारे जो फ्रूट सेलिंग स्टॉल्स थी वो मड पॉट्स जो, जो जो उसके सामने आता गया वो सबको तोड़ता गया बहुत नुकसान करता गया एंड इवन जब वो स्कूल ग्राउंड में पहुंचा तो उसने जो दीवार थी बाउंड्री वॉल जो थी उसको भी तोड़ दिया था क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डिड ई ईश्वरन प्रूव दैट द वर्क साइट वॉज सिचुएटेड ओवर अ ग्रेवयार्ड अब ईश्वरन ने कैसे प्रूव किया कि जो साइट वहाँ पर चल रही है वर्क साइट यानी जो कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पर चल रहा है उसके वहाँ पर क्या था वहाँ पर एक ग्रेव यार्ड थी ग्रेव यार्ड का मतलब जहाँ पे मरने के बाद लोगों को दफना दिया जाता है ओके okay? कब्रिस्तान टाइप जो ग्रेवयार्ड थी वहाँ पे कैसे प्रूव किया अकॉर्डिंग टू ईश्वरन ईश्वरन के अकॉर्डिंग द वर्क साइट वाज़ सिचुएटेड ओवर अ वो उसके वहाँ पे कहाँ पे है वो साइट उसके नीचे क्या था ग्रेवयार्ड था लोगों को दफनाया जाता था as he had found skulls and bones तो उसको क्या मिले थे वहाँ पे स्केलेटन मिला था पूरी बॉडी का कंकाल और कई हड्डियाँ भी उसको मिली थी lying here and there इधर-उधर पड़ी हुई उसको हड्डियां भी मिल गई थी बिसाइड्स बोन bone, और बोन्स के अलावा या स्केलेटन के अलावा उसने क्या देखा था ही हैड ऑल्सो सीन गोस्ट लाइक अपीरियंसेस उसने क्या देखा कुछ भूत जैसी कुछ आकृतियां उसको नज़र आती हैं वहाँ पे कुछ भूत स्पिरिट्स ऐसे कुछ नज़र आए थे उसको वहाँ पे अ नंबर ऑफ टाइम काफ़ी बार एक बार दो बार नहीं काफ़ी बार अ नंबर ऑफ टाइम्स ही हैड सीन गोस्ट एंड स्पिरिट्स ओवर देयर ही हैड सीन वन हॉरेबल गोस्ट ऑफ वूमन ड्यूरिंग वन फुल फुलनलाइट और एक बार उसने बहुत हॉरिबल बहुत भयंकर गोस्ट को देखा था किसका गोस्त था वो एक वूमन का गोस्ट था एंड और उस दिन कैसी रात थी चांदनी रात थी और उस चांदनी रात में उसको वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा था क्वेश्चन नंबर फाइव राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ईश्वरन तो ईश्वरन का कैरेक्टर स्केच ही वॉज अ वेरी गुड कुक क्या था बहुत अच्छा खाना बनाता था ही कुकड फॉर महिंद्रा और बनाता किसके लिए था महिंद्रा के लिए समाइम्स स्पेशली ऑन फेस्टिवल्स ही यूज़ टू कुक स्पेशल डिशेज ही वॉज फुल्ली डिवोटेड टू महिंद्रा और कभी फेस्टिवल्स या कुछ अच्छा कुछ स्पेशल डेज होते थे तो वो कुछ क्या बनाता था अच्छी डिलीशियस चीज़ें भी बनाया करता था और वो बहुत ज़्यादा डिवोटेड था समर्पित था किसके लिए महिंद्रा के लिए कभी कोई कंप्लेन नहीं करता था कुछ भी और हमेशा महिंद्रा के साथ 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 ही रहता था। था। हमेशा उसके साथ, महिंद्रा के uh, क्लॉथ्स भी धोता था रात को वहां पे कोई मीन्स नहीं था एंटरटेनमेंट का तो उससे खूब सारी बातें भी करता था ऑल्सो कैप द क्वार्टर क्लीन एंड टाइडी और जो उसका क्वार्टर मिला हुआ था उसको उसको भी नीट एंड क्लीन रखता था हमेशा साफ सफाई रखता था वॉज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर और मेन चीज क्या थी वो एक बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर भी था कहानियाँ सुनाता था यूज टू नरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज एवरी नाइट विदाउट अ ब्रेक और बिना किसी ब्रेक के बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाया करता था रात को He had an amazing style of narration. Narration का मतलब होता है वर्णन करना वो इतना अच्छा वर्णन करता था स्टोरीज का जो उसका स्टाइल था स्टोरी सुनाने का वो बहुत शानदार था In which he used various dramatic expressions. और अलग अलग एक्सप्रेशन से वो स्टोरी सुनाया करता था एंड जेस्टर्स से मतलब जैसे उसमें उस स्टोरी की डिमांड होती थी अगर स्टोरी बहुत ज़्यादा सैड है तो वो अपनी वॉइस उसी तरह गिरा लेता था अगर स्टोरी में कुछ जोशीली बात आने वाली है तो वो उसी हिसाब से अपनी वॉइस की पिच को रेज़ कर लेता था मतलब इस तरह से स्टोरी सुनाया करता था कि अगले को स्टोरी सुन के बहुत इंटरेस्ट आता था ही वॉज़ ऑल्सो वेरी गुड मैनेजर मतलब चीजों को मैनेज करना उसको बहुत अच्छी तरह आता था कि किस तरह से क्या मैनेज किया जाए ही हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इन्ग्रीडियंट्स इवन इन द मोस्ट आइसोलेटेड प्लेसेस और एक चीज उसके बारे में क्या थी उसके पास बहुत शानदार कैपेसिटी थी किस चीज़ की प्रोड्यूस वेजिटेबल्स जब कोई खाने की चीज़ नहीं भी होती थी तो वो इस तरह से सब्जियाँ बना देता था कुछ भी सामान लेके उनको मिक्स करके इस तरह डिलीशियस फूड प्रिपेयर कर देता था ये उसकी बहुत अच्छी क्वालिटीज थी और क्योंकि वो जगह बहुत दूर थी आइसोलेटेड प्लेस था आइसोलेटेड का मतलब होता है बहुत दूर उसके आसपास कुछ ना होना और बिना किसी सामानों के बिना किसी चीज के वो कुकिंग में परफेक्ट था बहुत अच्छा जो भी अवेलेबल होता था उन्हीं चीजों से इंग्रेडिएंट्स मतलब कुकिंग इंग्रेडिएंट्स मतलब जो भी चीजें अवेलेबल हो उन्हीं में से बहुत अच्छा खाना बना देता था ही बिलीव्ड इन सुपर नेचुरल थिंग्स लाइक गोस्ट किस में बिलीव करता था सुपर नेचुरल थिंग्स में सुपर नेचुरल मतलब ये जो हमारी नेचर है नेचर में जो चीजें प्रेजेंट हैं जो हमको दिखती हैं उनके अलावा जो और चीजें होती हैं लाइक like भूत गोस्ट uh, का इसमें है जिक्र बहुत uh, दो तीन जगह आया है स्पिरिट्स आत्माएं तो उन पे वो बहुत बिलीव करता था ही टोल्ड महिंद्रा दैट ही हैड सीन बोन्स एंड स्केलेटन्स मेनी टाइम और उन्होंने महिंद्रा को क्या बताया इस ने कि उसने काफी बार बोन्स देखी है बोन्स यानी हड्डियाँ और स्कैलेटन यानी कंकाल बॉडी के मेनी टाइम्स एज दिस प्लेस वॉज अर्लियर ग्रेवयार्ड वो कहता था कि ये प्लेस पहले क्या होगा ग्रेव होगा ग्रेवयार्ड यानी दफनाने की जगह जहां पे किसी को दफनाया जाता है इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन्स मिलते हैं और बहुत सारी हड्डियां मिलती हैं ही -like और उसने बहुत बार क्या देखा था फ्रीक्वेंटली मतलब काफी बार उसने क्या देखा था गोस्ट लाइक इमेजेस भूतों की आकृतियां देखी थी उसने बहुत बार सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वे वॉज ईश्वर uh, तो ने जब उस टस्कर को देखा तो वो कहा था ईश्वर खुद कहा था जब तस्कर वहां पे एंटर हुआ टस्कर का मीन्स होता है, मेल हाथी सो इन विच क्लास वॉज ही तो वो कौन सी क्लास में पढ़ता था उस टाइम वेन टस्कर रीच द स्कूल ईश्वर वॉज ऑन द रूफ टॉप पे था रूफ टॉप पे था वो जो क्लासेस थी उनकी छत पे था वॉचिंग ऑल द डिस्ट्रक्शंस डिस्ट्रक्शंस मतलब जो विनाश वो कर रहा था विनाश मतलब जो भी तोड़ फोड़ वो हाथी कर रहा था वो सब कहाँ से देख रहा था ईश्वरन अब उस क्लास की छत से इट हैड कॉज्ड ऑन द मेन रोड एंड हाउ इट हैड कॉज ऑल द पीपल टू बी इन अटेट ऑफ फ्रेंजी और उसने कैसे लोगों को मतलब एक तरह से पागल जैसा कर दिया था सब लोग डर के मारे कहीं इधर कोई उधर मतलब पागल हो गए थे लोग भी इधर उधर भाग रहे थे बहुत ज्यादा और वो कौन सी क्लास में था उस टाइम ही वॉज इन जूनियर क्लास वो उस टाइम जूनियर क्लास में था ईश्वरन वॉज अ फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर क्या था ईश्वरन बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर था मतलब अपनी स्टोरी से सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था वॉ व्हाट अदर स्किल डिड ही हैव इसके अलावा स्टोरी टेलिंग के अलावा उसमें और क्या ऐसी स्किल्स थी हाउ वॉज ही एन एसिड टू महिंद्रा और वो महिंद्रा के लिए इम्पॉर्टेंट कैसे था यूजफुल कैसे था वैल्यूएबल कैसे था सो ईश्वरन वॉज अ फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर ये तो हमको पता ही है कि वो बहुत शानदार स्टोरी सुनाया करता था ही रेड अ लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स वो बहुत सारी स्टोरी बुक्स पढ़ा करता था जब भी उसके पास खाली टाइम होता वह बहुत सारी स्टोरी बुक्स पढ़ता एंड नरेटेड इंसिडेंट्स इन अ वेरी विविड मैनर टू महिंद्रा और ये सारे इंसिडेंट्स अलग अलग तरह से किस सुनाया करता था महिंद्रा को और महिंद्रा कौन था उसका मास्टर ही कुड परफॉर्म ज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग मैंने आपको पहले भी बताया था वो इस तरह के एक्शंस करता था इस तरह के इशारे और जेस्टर्स उसके इस तरह के हुआ करते थे कि उसकी स्टोरीज को सुन के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था और हर कोई स्पेल बाउंड हो जाता था मंत्र मुग्ध हो जाता था उसकी स्टोरीज सुन के वहाँ से उठने का मन नहीं करता था इतना ज्यादा अच्छा वो स्टोरी टेलिंग करता था अदर देन स्टोरी टेलिंग और स्टोरी टेलिंग के अलावा उसमें और कौन सी क्वालिटीज थी ही हैड एक्सिलेंट कलिनरी स्किल्स और बहुत सारी कलिनरी स्किल्स थी उसमें वो क्या था वो एक बहुत अच्छा कुक भी था और ऐसा डिलीशियस मील बहुत अच्छा खाना बनाता था महिंद्रा के लिए इन वेरी लेस टाइम बहुत कम समय में बना देता था ही प्रूव टू बी एन एसेट फॉर महिंद्रा और महिंद्रा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी था ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ अगर देखा जाए महेंद्रा ऑल्सो लव ही स्टोरीज और महेंद्रा को भी उसकी स्टोरीज़ बहुत पसंद थी एंड एक्सेलेंट वे ऑफ टेलिंग दैम एंड स्टोरीज से भी ज़्यादा क्या था उसका स्टाइल ऑफ़ टेलिंग जिस तरह से वो एक्सीलेंट वे यानी कि बहुत शानदार तरीके से वो अपनी स्टोरीज़ को प्रेजेंट करता था सुनाता था वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ईश्वर तो पीछे से क्या करता था वेन महिंद्रा लेफ्ट फॉर ऑफिस ईश्वरन वुड डू हिज वर्क एंड टेकली बात तो वो क्या करते थे पीछे से अपना जितना भी काम बचा हुआ होता था वो सब करके उसके बाद वो लेजरली बात यानी शानदार तरीके से नहाता था वाइल्ड टेकिंग बात और जब नहा रहा होता था उस टाइम क्या करता था मटरिंग अ प्रेयर वो प्रेयर भी गाता था भगवान की प्रे गाता था आफ्टर लंच टाइम और लंच टाइम के बाद ही वुड रीड फॉर अ वाइल्ड बिफोर गोइंग टू स्लीप सोने जाने से पहले वो क्या करता था कुछ रीड करता था पढ़ता था ही रेड पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स और तमिल लैंग्वेज की जो पॉपुलर जो थ्रिल्स थी वो स्टोरीज़ वो रोमांच से भरी हुई स्टोरीज़ वो पढ़ा करता था द स्टोरीज दैट ही नरेटेड वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज स्टोरीज़ और जो स्टोरीज़ वो सुनाया करता था वो मोस्टली मतलब आप कह सकते हो कि आइडियाज़ यहाँ से लिए गए होते थे लगभग वो यहाँ वाली स्टोरीज़ को सुनने के बाद लगता था कि वो जो स्टोरीज़ वो सुना रहा है उस पर किसका प्रभाव था जो वो खुद पढ़ता था उन्हीं स्टोरीज़ को वो सुनाता था किसको ई महेंद्र को सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स से कनेक्टेड कीप वॉचिंग